बेसन के लड्डू बनाना बहुत ही झंझट लगता है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 टिप्स जो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो भी ये लड्डू परफेक्ट बनेंगे, और जो भी खाएगा इस लड्डू को तो कोई यकीन नहीं मान पाएगा कि इसे आपने घर में बनाए हैं, इतने परफेक्ट लड्डू बनेंगे। और इस लड्डू को हम बनाएंगे घर के बेसन से ही, जिससे हम चीला बनाते हैं ना, उसी बेसन का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है, इसमें डाल देंगे हम घी। तो घी मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है, हमें गाढ़ा ही घी लेना है, मेल्टेड घी नहीं लेना है। और इसमें ठंडा दूध डालेंगे 2 बड़े चम्मच। अब हमें इन तीनों चीज़ों को, बेसन दूध घी को, अच्छे से हमें मिक्स करना है। दोनों हाथों से मसलते हुए हमें इसे मिक्स करना है। इसे मिक्स करते हुए हमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, तो इसके लड्डू हमारे बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, दानेदार बनेंगे। तो ये पहला टिप्स है। ये देखिए बेसन का टेक्सचर देखिए, एकदम लग रहा है ना दानेदार। अब इसे अलग रख देते हैं। अब हम बना लेते हैं तगार या भूरा। ये बेसन के लड्डू के लिए एकदम ज़रूरी है, तो ये है दूसरा टिप्स। अब हमें मीडियम फ्लेम पे चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। तो मीडियम या हाई फ्लेम पे आप इसे पका सकते हैं। तो चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है, और कोशिश करिएगा कि आप इसे नॉनस्टिक पैन में ही बनाइएगा। अब ये देखिए वाइट हो गया है, झाग जैसा दिखने लगा है। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच घी। ये सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगेगा, दाना दाना जैसे दिखने लगेगा, तो हमें गैस की फ्लेम एकदम बंद कर देनी है और इसे लगातार चलाते रहना है। इसमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। ये देखिए इसे झाग झाग जैसा हो गया है, तभी हमें गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। आपको लगेगा कि अरे ये चीनी बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन आप इसे लगातार चलाते रहिए और ये एकदम धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे बनते जाएगा। लगातार आपको चलाते रहना है। अब इसे हमें मैशर की सहायता से धीरे धीरे मैश कर देना है, बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा ये। ये देखिए तो स्पैचुला से मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी तगार तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं बेसन इसे साइड रख लेते हैं। तो बेसन को छानने से क्या होता है ना, कहीं गुठलियाँ पड़ी होंगी या कहीं गट्ठे जैसे होंगे, तो वो एक बराबर हो जाएंगे। तो इसे हमें अच्छे से छान लेना है। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन जब आप खाएंगे ना, तो आप खुद पे यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये लड्डू आपने बनाए हैं। ये पूरा बेसन छान लिया है मैंने, ये जो थोड़ा सा बचा इसे अलग रख देंगे। तो हमारे एकदम दानेदार बेसन तैयार है, एकदम सूजी जैसा टेक्सचर है इसका। अब एक कढ़ाई में मैंने 1/2 कप घी लिया है, ये घर का बना हुआ घी है, मतलब मान के चलिए 100 ग्राम घी है ये। अब इसमें डाल देंगे हमारे ये बेसन। अब बेसन को हमें एकदम धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए भूनना है। ये नहीं कि हमने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया या मीडियम कर दिया, तो इससे क्या है ना, हमारे बेसन का कलर तो आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बेसन जैसा टेस्ट आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, एकदम धीमी आंच पे ही इसे भूनना है। जब तक इसे भूनना है जैसे कि इसकी एकदम सोंधा सोंधा खुशबू आने लगे और ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा, तब तक इसे हमें भूनना है। इसे भूनने में 14 से 15 मिनट लगेंगे धीमी आँच पर भूनने पर। तो इसे लगातार भूनते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर तीसरा टिप्स है कि थोड़ा सा पानी हमें इस पर छिड़कना है, हल्का ही पानी छिड़कना है और लगातार चलाते रहना है। ये हमारी तीसरी टिप्स है, इससे हमारे लड्डू एकदम दानेदार बनेंगे। तो इसमें हमें 2 से 3 बार ही छींटा मारना है पानी का। जब ये थोड़ा पहली बार का शांत हो जाएगा, जैसे बबल्स आने बंद हो जाएंगे, तब हम दूसरी बार छींटा मारेंगे। ये देखिए पानी डालने पे जैसे बबल्स आते हैं ना, तो लगातार हमें चलाते रहना है। अब थोड़ा और छींटा मार देते हैं, ये तीसरी बार है। 2 से 3 ही बार हमें इसमें छींटा मारना है और लगातार चलाते रहना है। और गैस की फ्लेम एकदम धीमी रहेगी। ये हमारे बेसन भून के एकदम तैयार है। घी इसमें मैंने पूरा टोटल यूज़ किया है 125 ग्राम। जैसे 250 ग्राम बेसन है, तो इसमें 125 ग्राम घी चला जाएगा।
अब प्लेट में मैंने ये बैटर को निकाल दिया है और इसे चलाते हुए ठंडा कर लेना है। जब एकदम अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे ये चीनी का बूरा। इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। ऐसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें, आपको पसंद है, तो आप इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन मैं ट्रेडिशनली बना रही हूँ तो इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं पड़ते हैं, सिर्फ इसमें चीनी, बेसन और इलायची का ही फ्लेवर रहता है। तो मैंने 250 ग्राम बेसन के लिए 125 ग्राम घी का यूज़ किया है, तो इससे हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो आप मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा तो हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इसी तरीके से सारे लड्डू बना लेते हैं। तो मैंने आपके साथ 3 टिप्स शेयर किए हैं, आप इसी तरीके से अगर बनाएंगे तो आपके परफेक्ट लड्डू बनेंगे। अब इसे हम पिस्ता से गार्निशिंग कर लेते हैं, इससे हमारे लड्डू और दिखने में अच्छे दिखेंगे, एकदम मार्केट वाले लड्डू दिखेंगे। दिख रहे हैं ना एकदम मार्केट वाले लड्डू, और खाने में भी उतने ही टेस्टी है, ये देखिए। अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।